अक्टूबर महीने के आखिर में हुई तेज बारिश से धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है। इससे उत्पादन में 20% तक की गिरावट आ सकती है। कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में बासमती चावल के दाम प्रति क्विंटल 2000 रुपये तक बढ़ सकते हैं। मौजूदा समय में 8500 रुपये प्रति क्विंटल दाम चल रहा है। वही रिटेल में 70 से लेकर 90 रुपये प्रति किलो बासमती चावल लोगों को मिल रहा है। आपको बता दें कि भारत से 150 देशों में बासमती चावल एक्सपोर्ट किया जाता है। देश में 3 राज्य पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बासमती की खेती होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली सभी जिलों में बासमती चावल पैदा किया जाता है। यह मिट्टी और मौसम भी बासमती चावल के लिए अनुकूल है। सिंचाई के साधन भी अधिक हैं। अपने अनूठे स्वाद और गुणों की वजह से बासमती दुनिया भर में खाद्य और रेस्टोरेंट उद्योग के बीच प्रीमियम चावल के रूप में अपनी मौजूदगी बनाए हुए है। 7 राज्यों के 95 जिलों को इसका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग मिला हुआ है। इनमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के 30 और जम्मू कश्मीर के 3 जिले जम्मू, कठुआ और सांबा शामिल हैं। बासमती चावल का उत्पादन हिमालय की तलहटी में आने वाले इंडो गैंगेटिक प्लेन्स यानी गंगा के मैदानी इलाकों में होता है। इसमें पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब के 14 जिले भी शामिल हैं। धान के वरिष्ठ वैज्ञानिक बताते हैं कि अक्टूबर में भारी बारिश की वजह से इस बार बासमती धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। करीब 20% फसल खराब हो गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख हेक्टेयर जमीन पर 16 लाख टन बासमती धान का उत्पादन होता है। इस पर 10 लाख बासमती चावल उत्पादन होता है। इसमें बारिश व गंगा किनारे बाढ़ से 20 से 25% धान का नुकसान हुआ है। कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में बासमती चावल की कीमतें 11,000 रुपये क्विंटल तक पहुँच सकती हैं। इसका निर्यात पर भी असर पड़ेगा। व्यापारियों का कहना है कि इस बार बारिश से चावल की गुणवत्ता चली गई है। खेत में पानी भरने से दाना काला पड़ जाएगा। ईरान ने तय समय से कुछ दिन पहले चावल के आयात पर मौसमी प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है। चावल की फसल के मौसम की समाप्ति और बंदरगाहों में कार्गो के लिए असंतोषजनक भंडारण स्थान के कारण प्रतिबंध हटा लिया गया है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।